दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मैं एक लेखक हूँ, लोगों की प्रेम कहानियाँ लिखता रहा, लेकिन आज मेरी खुद की प्रेम कहानी का दी एंड हो रहा है। मेरी प्रेमिका मुझसे ब्रेकअप करके उस कमरे में बैठी हुई है और मैं यहाँ बैठा हुआ तरकीब निकाल रहा हूँ कि उसे कैसे बनाऊं। पता नहीं बात बात में उसके घर वालों की बात कहाँ से आ गई, बस छलक गई नैन। पर आप तो जानते ही हैं कि स्त्री ताकत आंसू है, जो डबडबाई हुई आंखों से निकलकर रंज में पड़ी सफेद गुलाब की पंखुड़ियों को धोते व अशांति और दुख में उबलते सीने पर पड़े हुए आंचल को फिको देते हैं। कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी यार। मैं तो उसे यह भी नहीं कह सकता कि गलती हो गई, माफ कर दे, मेरे मुंह से निकल गया। वो पता क्या बोलेगी, तेरा हर बार का यही है। तो इसीलिए नयापन सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी मायने रखता है। वैसे मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दूं, मेरी प्रेमिका का नाम है बाला। मैं प्रेम, वो बाला, प्रेम बाला। तो चलिए ऑन द स्पॉट ही देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ मायने नहीं रखता। बाला, बाला देख, तेरा प्रेम आया है, तेरा प्रेम आया है, तेरा प्रेम आया है। प्रेम की माँ की आँख। क्यों, तेरी माँ की नहीं है क्या? हंस हंस, बस थोड़ी देर की बात है, हंस ले। अच्छा नहीं, असरा सुनना, एक बात बतानी है। जब केले और बेर की निप सकती है तो अपनी क्यों नहीं? केला बेर क्या नहीं भा दिया? मेरे घर के बाहर ना केले और बेर का पेड़ है, दोनों साथ साथ उगे हुए। बेचारा केला मेरे जैसा सीधा साधा पोलाइट, और बेर चारों ओर से केले को घेरा हुआ, उसके टेढ़े टेढ़े कांटे। वो तू सुन रही है? हाँ, वो टेढ़े टेढ़े कांटे मैं हूं ना। मैंने कब बोला? नहीं, मैं समझ गई, अब तू सुन। कबीरदास ने पता है क्या कहा? कहे कबीर कैसे निभाए केर बेर को संग, वो झूमत रसापनी उसके फाटतंग। पर यहाँ पे तो निभ रही है ना। अच्छा तू इतना बता, तुझे भरोसा मुझ पे कि कबीर पे? ऑफ कोर्स कबीर। समझ तेरा भरोसा टूटा, लेकिन तुझे एक बात बता दूं, जहां प्रेम होता है ना वहां क्या केर क्या पेर निभ जाती है। भाव पता है क्या? मैं केर तू बेर, चाहे फाड़ दे मेरे सारे अंग, फिर भी रहूंगा तेरे संग। चल अब दोनों की जोड़ी दिखा दो। देख ये वो केले का पेड़, मुझे 12 साल हो गए यहां पे रहते हुए, ये तब से है केर और बेर। इस केले के पेड़ ने ना मुझे एक चीज और सिखाई है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी, कितने ही कांटे क्यों ना हो, बस खड़े रहना, हिम्मत ना हारो, और परिणाम देख, ऊपर